हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादल थापा एंड वेलकम टू जॉस 1500 डे। जी हाँ गाइस, तो आज है हमारा 24th डे एंड आई होप आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बिकॉज गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड फाइनली आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड मोड इन एन एरे। जी हाँ गाइस, इससे पहले हमने देखा था मीन, देन हमने देखा मीडियन, नाउ इट्स टाइम फॉर आवर मोड। तो कल की वीडियो में गाइस हमने ये फाइंड आउट किया था कि लेट्स से वी हैव एन एरे, है ना, लेट्स से वी हैव दिस एरे एंड इस एरे में हमें ये देखना था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हमने कोड लिखा था अभी तक, अगर आपने कल का वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा, तो वो आज हम देखेंगे एंड देन उसके साथ साथ अब ये जो मोड है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। सो आप देख सकते हो, राइट अ फंक्शन कॉल फाइंड मोड दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड रिटर्न्स द मोड ऑफ द एरे, मतलब द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। कोई भी आपके पास अगर एलिमेंट्स हो जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव दिस वन, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, मतलब सिर्फ दो टाइम्स। उसी तरीके से गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, लेट्स गो विद टू, तो दो, एक, दो एंड देन तीन, तो ये जो टू है वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है। थ्री की बात करें तो सिर्फ एक ही बार है एंड देन फोर की बात करें तो सिर्फ एक बार है। इट मीन्स कि हमारा ये जो टू वाला जो एलिमेंट है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा ये रिपीट हो रहा है। सो आवर आउटपुट शुड बी लाइक टू। तो वो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो कल हमने एक बहुत ऑसम तरीका बताया था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन उनमें से जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको जस्ट हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स गो विद लेट काउंट्स करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो एरे है मुझे वन बाय वन सब कुछ चेक करना है, इट मीन्स मुझे लूप चलाना पड़ेगा। सो लेट्स गो विद फॉर ऑफ लूप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट एलिमेंट ऑफ ए आर आर। ठीक है, ए आर आर के जो भी एलिमेंट्स होंगे वन बाय वन अब मुझे वो मिलने वाले होंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा ये जो काउंट्स ऑफ एलिमेंट, इट मीन्स कि मैं एक की क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे अगेन ये मेरा काउंट्स ऑफ एलिमेंट है ना, काउंट्स ऑफ एलिमेंट। तो गाइस अभी तक अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लीजिए, कल मैंने बहुत इन डेप्थ में आपको ये एक्सप्लेन की थी। तो हुआ ये कि गाइस ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर की एंड दिस शुड बी योर वैल्यू, समझ रहे हो। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, लेट्स से वी हैव अ ऑब्जेक्ट, तो हियर वी हैव अ की, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग होगा एंड देन हियर वी, यहाँ पे नहीं, हियर वी हैव अ वैल्यू, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका की है, ये आपकी वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, सो की एंड देन वैल्यू, तो कुछ इस तरीके से आपका काम कर रहा है फिलहाल अभी। अब काउंट्स ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट क्या है हमारा, ऑब्वियसली इट विल बी लाइक फर्स्ट वन देन टू फिर टू, है ना, तो सबसे पहले वन आएगा। अब एक काउंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ वन क्या है, अब ये क्या हो रहा है, हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं काउंट्स ऑफ वन। अभी हम, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो बिल्कुल एम्प्टी है, इट मीन्स इट्स अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, खाली जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो जीरो प्लस वन विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू योर वन। तो अब फाइनली हमारा काउंट्स ऑफ वन का वैल्यू क्या आ गया गाइस, हमें वन मिल गया। इट मीन्स हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, जिसमें वी हैव वन की जिसकी वैल्यू है वन, इस तरीके से, समझ रहे। उसी तरीके से टू का एक वन बन जाएगा, तो कैसे चलता जाएगा। तो बस ये वही कर रहा हूँ मैं, खत्म नहीं, यहाँ पे इसको वापस अंडू कर देता हूँ सब कुछ एंड खाली अपने काम करता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैं ये जो काउंट्स ऑफ एलिमेंट है उसको मैं गाइस रिटर्न करा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ फिर से देखना ध्यान से, तो कुछ आपको 1 1 2 1 2 1 3 दिखाई दे रहा है, चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो फॉर ऑफ लूप को छोड़ के अगर मैं बाहर चल दूँ, सो कंट्रोल या सेव कर लीजिए, यहाँ पे आइए, तो एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, आई एम रियली सॉरी, हम बाहर कैसे लिख सकते हैं एलिमेंट को, फॉर ऑफ के बाहर नहीं लिख। तो मैंने सिर्फ काउंट्स को पास कर दी एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि मेरा ये जो वन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि वन जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, मेरा ये जो टू है वो तीन बार रिपीट हो रहा है, तीन जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है, चार जो है वो मेरा सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है। तो इससे तो मुझे एकदम क्लियर हो चुका है कि क्लियर क्लियर जो विनर है अपना वो ये टू है, क्योंकि वो तीन बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट में से भी मैं कैसे बताऊँ कि भाई टू इज द एक्चुअल विनर, राइट। तो उसके लिए भी मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो फॉर ऑफ लूप है इसी के अंदर मैं चलूंगा, ठीक है, फॉर ऑफ के अंदर मैं चला एंड मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा इफ। अब इफ से पहले मुझे यहाँ पे दो चीज लगेंगे, लेट मैं सबसे पहले तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ कि जो भी वैल्यू होगा सबसे बड़ा वो उस पर ऐड कर दो,
मैक्स नंबर बाय डिफॉल्ट लेट्स गो विथ जीरो, ठीक है, क्योंकि सभी इंटीजर्स ही अपने पास, तो इधर कोई टेंशन नहीं। लेट मोड, इसको मैं एम्प्टी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, ये बहुत ईजी है। अगर मेरा ये जो काउंट्स ऑफ एलिमेंट की जो वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन मैक्स नंबर, देन सिंपल, समझ गए ना, मैक्स नंबर तो जीरो है। अगर इसकी जो वैल्यू है, काउंट्स ऑफ एलिमेंट मतलब आप समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे। तो अभी जो मैंने काउंट्स ऑफ एलिमेंट लिखा, तो ये फर्स्ट टाइम अगर मैं काउंट्स देन ब्रैकेट में वन लिखता हूँ तो मुझे टू वैल्यू आएगी, काउंट्स ब्रैकेट में अगर वो जो टू आता तो मुझे वैल्यू थ्री आएगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी लेट्स से फॉर द फर्स्ट इटरेशन इट विल बी वन, एंड देन काउंट्स ऑफ वन तो हमने देखा ना टोटल टू था, राइट। उसी तरीके से जो सेकेंड इटरेशन आएगा उसमें क्या होगा, काउंट्स ऑफ एलिमेंट में टू आ जाएगा। अब हमारे केस में टू का जो है, इफ़ यू रिमेंबर, तो आप देख सकते हो टू की वैल्यू तो थ्री है, राइट। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ टू विल बी योर थ्री। तो मैक्सिमम नंबर से तो बड़ा थ्री है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारा मैक्स नंबर विल बी इक्वल टू आवर काउंट्स ऑफ एलिमेंट्स, इस तरीके से मैं कर दूंगा, समझ रहे हो। तो बस हो गया मेरा काम, एंड मेरा जो मोड होगा इट विल बी इक्वल टू योर मैक्स नंबर, खत्म। अब मैं एकदम एंड में आके ये कंसोल ना करा के रिटर्न एंड देन मोड कर दूंगा मैं, ठीक है, बस मेरा काम हो गया। समझ गया ना किस तरीके से, बस मैं चेक कर रहा था कि कौन सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू मैं मैक्स नंबर में डाल दूंगा एंड वो मैं मोड कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना हो गया मेरा काम। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, हीट करता, तो आप देख सकते हो मुझे थ्री आ रहा है, बट इन रियलिटी हमें तो मालूम है कि आउटपुट मुझे टू आना चाहिए। तो हो ये रहा है कि मुझे आउटपुट टू ही आ रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग दी की क्या वैल्यू, एक सेकेंड मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग एंड देन ये जो काउंट्स है वो भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं दोनों करूँगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये हमारा आउटपुट है। तो गाइस मुझे यहाँ पे थ्री मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये वाली वैल्यू मिल रही है, ये नहीं है। रियलिटी इज़ कि ये वाली जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है आपको टू, मुझे ये वाला थ्री मिला है मुझे, लेकिन वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब ये है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, एंड वी कैन क्लियरली सी कि वो आपका टू है। तो अब बस मुझे करना ये है कि मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ की, राइट। फिलहाल अभी मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस ये मोड में ये जो मैक्स नंबर के बदले एलिमेंट, हमें मालूम है एलिमेंट इज आवर एक्चुअल की, तो ये ना लिख के मैं लिख दूंगा एलिमेंट। ये मैंने जानबूझ के रॉन्ग लिखा था ताकि आपको पता चले कि क्या आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो 3-1 एंड बूम गाइस, सी अब मुझे आ गया ना 2 बराबर यहाँ पे, राइट। सो दिस इज योर मोड। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो कितने, होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा मीन, देन देखा मीडियन, नाउ आज हमने कंप्लीट कर लिया है मोड, एंड कितना ऑसम था ये, राइट, कि कैसे मैक्सिमम नंबर मतलब कौन सा चीज कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका फाइंड आउट करना, ये ऑसम था ये। एंड अभी तो सिर्फ 24th है यार, 100 डेज है, लास्ट में जाते जाते पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतने, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई और दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चन से प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, एंड मैं बहुत जल्द गाइस, मेरा इंटरव्यू काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं रेगुलर जो है और ऑसम वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ बार-बार के शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको कल के वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।